बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अहमद फूडी। तो गाइस आज मैं जहाँ पे आऊँ इनका उनकी चना पापड़ी बहुत ही फेमस है। तो इनकी चना पापड़ी मैंने जब सुनी ना तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया कि इनकी चना पापड़ी एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ। तो गाइस इनके ऑनर से बात करते हैं और इनकी चना पापड़ी टेस्ट करते हैं, उसका मेकिंग प्रोसेस देखते हैं। चलो गाइस, आज क्या बनाने जा रहे हैं? ये चना पापड़ी जी, चना पापड़ी बनाने हैं तो हमारे लिए भी बना दी। इंशाल्लाह बनाएंगे। साथ में तो बताते हैं भाई। हाँ जी, ये चना, ये पापड़ी है, ये आ गई गाइस पापड़ी। हाँ, ये एकदम से छोटा छोटा कर ली, कर लेते हैं। फिर इसमें आटा डालते हैं, चने हैं, चिकन है, खोया है इसके अंदर। गाइस इसके अंदर चना, चिकन, अंडा और खोया वगैरह मिक्स किया हुआ इन्होंने। ये चला गया गाइस ऊपर, ये अंडे को एक तरह से पापड़ी हो गई जी। अंडा पापड़ी है गाइस, ये चला गया अंडा पापड़ी। ये चिकन मसाला है इसके अंदर, चिकन मसाला है जी। माशाल्लाह खाओगे ना आप, कहोगे बाकी कुछ चीज़ है। इसी रेलवे रोड पे होता हूँ मैं, साथ 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। रात 8 बजे तक जी, इधर ही। फिर उसके बाद चल जाते हैं जोगी चौक अपना। ये फ्रूट, ये दही चला गया गाइस। अभी ये आलू बुखारे की चटनी है, ये चीनी से तैयार हुई हुई है। चीनी जी, जी। ये अपनी केचप है, ये केचप आ गई। ये मायोनीज है जी, ये गाइस आ गई मायोनीज जी। और ये ऊपर चला गया हरी मिर्चें, हरी मिर्च। ये अभी सलाद, ये सलाद आ गई है जी। और इसके बाद ऊपर नींबू डाल देते हैं ना, जरा जायका बहुत अच्छा हो जाता है नींबू के जरिए जी। तो गाइस हमारी ये चना पापड़ी रेडी हो चुकी है। तो सर अपना नेम बता दें। क्या ये 40 रुपए का है, 60 रुपए का है, 80 रुपए का है? अच्छा। अंडे वाला जो है स्पेशल जो है वो 100 रुपए का है। अच्छा सर अपना नेम बता दें। मेरा नाम है नासिर अली। नासिर अली, तो कब से शॉप चला रही है ये? माशाल्लाह इसको 7 साल तो हो गए हैं, माशाल्लाह पूरे 7 साल जी। इसी रोड पे बेचता हूँ मैं। मतलब ये रोड कौन सा है? रेलवे रोड जी। तो यहाँ की टाइमिंग क्या रही थी, सुबह कितने बजे आती है? इधर मैं आ जाता हूँ माशाल्लाह 12 बजे। 12 बजे से लेकर 8:30 तक मैं चल जाता हूँ उमर फरोज चौक साहिवाल जी। उधर हम जाते हैं, 12 बजे घर जाते हैं। तो सर यहाँ पे हफ्ते में 8 डे ओपन रखते हैं या कभी छुट्टी भी होती है? जुम्मे की छुट्टी होती है मेरी पास, ये मार्केट जुम्मे की बंद होती है ना, तो हमारी भी छुट्टी होती है। अच्छा ठीक होगी। तो गाइस हमारी चना पापड़ी रेडी हो चुकी है, आप इसको कर लेते टेस्ट और आपको बताते इसका टेस्ट कैसा है। तो सर आपका नेम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। सर यहाँ की चना पापड़ी का टेस्ट आपको कैसा लगा? नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं पहले भी कई बार ट्राई कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आज फिर मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा नहीं आज ट्राई करके जाएं। नहीं माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा टेस्ट है, मैंने मुल्तान में भी खाई थी तो वहाँ पर भी टेस्ट तो अच्छे हैं, पर यहाँ का साहिवाल का भी एक अपना अलग टेस्ट है। मतलब हर शहर में टेस्ट तो फ़र्क होता ही है, मतलब इनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं बाकियों से भी दोस्तों से कहूँगा तो यहाँ पर आएँ, टेस्ट चेक करें, माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब बंदा मायूस होकर नहीं जाता, बंदा एक बार खाता तो बार बार यहीं पे आता है कि नहीं यार। मतलब कि अगर आपने इनका टेस्ट चेक किया तो आपको मतलब कि इन जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिला? नहीं, मतलब यहाँ पे साहिवाल में इन जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिला। थैंक यू भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। गाइस हमारी चना पापड़ी रेडी हो चुकी है यहाँ पे। इसमें आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें, आलू बुखारा चटनी वगैरह है, अंडा वगैरह है, चना, इनके चने बने हैं, चिकन के बने चने हैं, उसके बाद नींबू वगैरह इन्होंने डाला हुआ है, मायोनीज वगैरह डाली हुई है। मतलब कि मेरे मुँह में तो पानी आ गया इतनी चीज़ें आपको बताकर भी। इसको कर लेते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। गाइस इनकी चना पापड़ी का टेस्ट बहुत ही आला है, बहुत ही मज़ेदार मुझे लगी ये चना पापड़ी, बहुत ही माशाल्लाह से एकदम से अच्छा से टेस्ट बनाया उन्होंने। इनके जो चना पापड़ी में जो चने हैं और आलू बुखारा की चटनी, वो तो एक अपना अलग सा टेस्ट देते हैं, बहुत मज़ा आया इसको खाकर भी। तो गाइस अगर आप साइबर विजिट कर रहे हैं तो इनकी चना पापड़ी ज़रूर टेस्ट करिएगा। अगर आप रेलवे रोड पे आएंगे तो यहाँ पे PSO पंप है, पेट्रोल पंप, उसके बिल्कुल सामने ये खड़े होते हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं ये फिनिश कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।